नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। ढाका वार्ड नंबर 023 एवं 24 नाले के पानी सड़क पर आने से जल रहा ग्रामीण सिक रहना। ढाका नगर परिषद के लहन ढाका में वार्ड नंबर 23 एवं 24 के बीचों बीच सड़कों पर नाले की गंदी पानी आने से ग्रामीणों ने महीनों दिन से कठिनाई हो रही। इस सड़क से आने जाने वाले लोगों इस तरह के हालात से दुख महसूस करते हुए गुजर रहे। वहीं स्कूल जा रहे छात्र छात्रा से इस तरह के परिस्थितियों का सामना करते हुए जा रहे। इन सभी हालत को देखते हुए ग्रामीणों ने नगर परिषद भवन में कई बार सूचना दी, लेकिन अब तक कोई सुधार नहीं हुई है। पूर्वी चंपारण सिकरहना से राहुल गुप्ता की रिपोर्ट। मैं शहाबुद्दीन फारूकी, ढाका नगर अध्यक्ष जदयू एंड ह्यूमन राइट्स प्रवक्ता सिकरहना डिवीजन। मैं इसलिए आज वीडियो कर रहा हूँ कि मैं आज ढाका वार्ड नंबर 23 और 24 की सीमा पर खड़ा हूँ। उस साइड में 24 है, इस साइड में 23 है। बट मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि यहाँ के जो रोड के पानी की जो समस्या है, कम से कम 5-6 साल से इसी तरह का प्रॉब्लम है और 50 कंप्लेन ढाका नगर परिषद को दिया जा चुका है, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिलाने का काम किया और आज तक के इस पर समस्या को समाधान करने का कोई प्रक्रिया उन्होंने नहीं किया। और ये वीडियो आपके सामने है, जो मस्जिद भी यहाँ है जहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं, नमाजियों को दिक्कत होता है और बहुत सारे समस्या का समाधान मतलब करने के लिए लोग प्रयास में है, बट किसी ने आज तक समस्या का समाधान करने की प्रयास नहीं किया। जो आपके सामने देखिए नाला, जो इस पर ना साइकिल वाले आ सकते हैं, ना स्कूल की गाड़ियां आ सकती है, बल्कि जनता के हर एक चीज़ में रुकावट ये पानी पड़ रहा है, लेकिन अभी तक नगर को कोई भी कान पे जूं तक नहीं रहेगा। बस मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, ख़ासतौर से मैं नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी नसीमुद्दीन साहब और मैं साथ में इस चंपारण के DM महोदय को भी कहना चाहता हूँ कि इस नाली का समस्या का समाधान जितना जल्द हो सके करें, वरना यहाँ की जनता धरना पर बैठेगी। क्योंकि मस्जिद भी सामने है, किसी स्थल पे है मस्जिद जिसके सामने पूरा पानी लगा हुआ है। ये दिखाइए, ये सब रोड भी दिखाइए इधर से, जिसमें पूरा आ गई ये पानी, इसलिए मैं अपील करता हूं ढाका नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी से और DM महोदय इस चंपारण रमन कुमार साहब से कि इसको जल्दी से जल्दी यानी इस समस्या का समाधान करने का कोशिश करें, वरना यहाँ की जनता धरना पे बैठेगी तो बाद में ना कहेंगे कि हाँ हमें इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं किया। पहले भी बहुत सारे कंप्लेन दिया जा चुका है, लेकिन आज तक किसी ने समस्या का समाधान नहीं किया। और ये आपके सामने है, जो देख रहे हैं, जो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये अंसारी मोहल्ला वार्ड नंबर 23 और 24 दोनों का सीमा है। वो पूरब साइड में 24 और पश्चिम साइड में 23 है। रोड यानी दो तरफ में बटा हुआ है, लेकिन आज तक ये किसी ने समस्या का समाधान नहीं किया। जो आपके सामने है देख लीजिए, देखिए स्कूल के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, किस समस्या के साथ पढ़ने जा रहे हैं। देखिए अगर बच्चा जरा भी कुछ हो गिर जाए तो उसके सारे